कोई समस्या हुई है? नहीं, कुछ नहीं, नहीं। असल में रास्ते में इतना समय लग गया। नहीं नहीं अन्नू मौसी, आप कुछ तो छुपा रही हो। इतनी रात को आपके ससुराल वालों ने आपको यहाँ भेज दिया। मैं कल ही बाबा के साथ बात करूंगी, वही उन लोगों से बात करेंगे। माँ काली, मेरे ससुराल के साथ मेरा काफी दिनों से कोई संबंध नहीं है। अगर ये बात घर के लोगों को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। नहीं, क्या हुआ सुभी? अन्नू मौसी, कल अगर पुलिस आई तो? पुलिस? पुलिस क्यों आएगी? छोटे लाट आ रहे ना, इसलिए घर में बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए कल सुबह से घर पर पुलिस भी आएगी। मालिक काका के कमरे में अनंत दादा है, अगर उन्होंने देख लिया तो? कल सुबह क्या होगा अनु मौसी? कुछ भी नहीं होने देंगे सुभी, कुछ भी नहीं। ये तो अनु मौसी? अनुमासी सुनो ना, आप बहुत अच्छा नक्शा बनाती हो, मैंने सुना है। मैं कह रही थी, लावण्या छोटे लाट के लिए एक मुकुट का नक्शा बना रही है, आप जरा देख लोगे? असल में छोटे लाट को पसंद आएगा कि नहीं, ये लेकर चिंता में हूँ। वो सब तो तुम ही जानो प्रोमिला, मुझे कुछ नहीं पता। वो तुम ही देख लो। बड़ी दीदी। हाँ। तुम्हें बाबा ने बुलाया है। ओह हाँ हाँ, जाऊंगी। अरे शरद, तुम तो बहुत अच्छा नाटक पाठ कर सकते हो। हम मिलकर अगर छोटे लाट के सामने एक नाटक पाठ करेंगे तो कैसा रहेगा? हाँ, शुभी तो कविता पढ़ रहा है ना बड़ी दीदी, और तुम सब मिलकर छोटे लाट का मन जीतने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। मुझे इन सब में मत ही डालो। मैं जानती थी शरद, तुम इसमें नहीं रहोगे। देखा अनु मौसी, मैं शरद को जितना साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ, वो उतना ही अलग होता जा रहा है। लेकिन कहाँ गया शरद? अनंत दा की खबर लेने? क्या जाना मत, अभी दूध पी लोगे ना तो शाम को रसगुल्ला दूंगा। बहुत बड़े बनोगे सुबह, देखना बहुत बड़े। अभी तुम जाओ, तुम अगर वहां नहीं दिखे तो तुम्हें सब ढूंढेंगे, जाओ। आज कोई नहीं ढूंढेगा, आज सब छोटे लाड को लेकर व्यस्त है। कर सके? Can you guess his name? चौधरी? Can you guess his name? Yes sir. सर, आप भरोसा रखिए, बोस के घर में आप इन्फॉर्मर किसे बना के भेजना चाहते हैं ये मैं समझ गया। थैंक यू सर। मैं वहां पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं जाऊंगा, और अनंत, उस आदमी को तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। गुड बॉय, गुड बॉय। अनंत, मे गॉड ब्लेस यू। मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, क्या थी वो लाइन? जागो रे भारत, जागो, जागो रे भारत, जागो कलिंगा। जागो रे भारत कन्या, अपनी माँ की उन्नति करो, मन से करो साधना। जितनी भारती आओ रे त्वरित करूं, हे मातृ वंदना। सुजना सुफला सश्य श्यामला। ये रही माँ, देखो विदेशी मिल के कपड़े कितने हल्के होते हैं।
और यहाँ के कपड़े कितने मोटे बाबा। ये साड़ी पहनो माँ, ये बहुत अच्छी है। क्या हुआ सुबी? ये साड़ी पहनोगे तो आप बहुत अच्छी लगोगी माँ। सुना तुमने प्रोमी, मेरे शुभी ने कहा है कि साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, फिर तो मैं यही साड़ी पहनूंगी। ये साड़ी मुझे मेरी दादी माँ ने दी थी, समझ गई प्रोमी? सिर्फ विदेशी कपड़े अच्छे हैं, हमारे देसी कपड़े अच्छे नहीं है क्या? हम अपने कुटीर उद्योग को सार। ये छोटा बच्चा है, गलती की है इसने, घर से निकाल देंगे मतलब? घर पर हमेशा स्वदेशी स्वदेशी सुनता रहता है, जो सुनेगा वही कहेगा ना। इतनी सी बात के लिए इतना सुनाओगी? इतना डांटने की भी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाकर देखो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हें सुनने में बुरा लगता है। देखना, सुबी अपनी इन बातों की वजह से कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। आओ, बैठो। इस साड़ी को पहनने का स्वदेशी से कोई संबंध नहीं है। एक साहब आज हमारी समिति में आ रहे हैं, इसलिए हम आज भारतीय कपड़े पहनेंगे। और तुम्हारी बड़ी दीदी ने आज मिठाई बनाई है, पता है क्यों? क्योंकि हम साहब को भारतीय रूप में संवर्धना देंगे। ठीक कहा आपने, बड़ी दीदी ने आज मिठाई बनाई है। माँ भारतीय साड़ी पहनेंगी तो क्यों ना मैं भी हिंदी कविता का पाठ करूं जो अनु मौसी ने सिखाई। मैं चलता हूँ। लेकिन बिरू, चारों ओर तो पुलिस की पहरेदारी चल रही है। बिरू, अब देखो आराम से, आराम से। सुनो, काम तो बहुत अच्छा है। छोटे लाड को भी जानना जरूरी है कि उनके आने से हर कोई खुश नहीं है। लेकिन ये काम बहुत सावधानी से करना होगा, बहुत सावधानी से। हाँ अनंतदा, आज शाम को ही फ्रेजर साहब को पता चलेगा कटक की असली संवर्धना किसे कहते हैं। वो सामने वाली दीवार पर लिखना होगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, तुम नजर रखो। क्या हुआ है? कौन हुआ? हाँ, स्वदेशी थे। अरे क्या बहुत लग रहा है, स्वदेशी है। अरे पुलिस पीछे पड़ गई है, पीछे पड़ गई उनके। डंडे पता तो ऐसे ही है, छोड़ेगी नहीं किसी को। छोटे लट आ गए हैं, छोटे लट आ गए हैं, उन पर फूल बरसाओ। देखा ना, अब क्या होगा? जैसे भी हो ये लिखा मिटाना होगा। शरद, सतीश, तुम लोग भी हाथ लगाओ, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आइए सर, आइए। जब तक ये लिखा मिट नहीं जाता तब तक तुम लोग इसे ढक करके खड़े रहो। जाओ जल्दी करो। Go back, Fraser. Go back, Fraser. Good. Very good. Good handwriting. Sir, we are really very sorry, sir. हमें माफ कर दीजिए। हमें पता नहीं था कि कोई ऐसी घटना भी घट सकती है। जिसने भी किया है ये। God bless them. जिसने नहीं, जिन लोगों ने। देखो दो हैंड राइटिंग। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड डिग्निटरीज, हिज एक्सलेंसी डिप्टी गवर्नर, हमारे परम सम्माननीय अतिथि सर एंड्रयू फ्रेजर,
आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। कटक समिति की तरफ से हम आपका सादर अभिनंदन करते हैं। विदेशी चले बनने उच्च, पकड़ने चले विदेशी। ये क्या किया तुमने सुभाष? ये कैसी कविता सुनाई तुमने? सर सर, जानकी जल्दी चलो उनके पास, हाथ पैर जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा। सही कहा आपने, चलिए चलिए। मछली भैया, साको ये कविता अच्छी क्यों नहीं लगी? शुभी चुप, क्या किया है तूने? ये कविता क्यों सुनाई? हाँ शुभी, तू तो अंग्रेजी। शरद से तुम्हारी कैसी नाराजगी है? रुको रुको बाहू, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। शरद का रवैया आजकल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ। कहाँ है शरद, बुलाओ उसे। शुभी को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना चाहती थी ना? शुभी मेरे बेटे जैसा है। मछले भैया मेरी बात एक बार सुनेंगे? अनु मौसी की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं आपको सच बताता हूँ, अनु मौसी को नहीं पता था कि मैं ये कविता सुनकर छोटे लाट के सामने बोलने वाला हूँ। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अनु मौसी? बोलो ना, आप रो क्यों रही हो? बताइए ना मछले भैया को, बताइए कि आपका दोष नहीं है। आपने वो कविता वहाँ सुनाने के लिए नहीं सिखाई थी, बोलो ना मौसी। बोल शरद, ताऊजी को सच सच बता, सुभी को ये कविता किसने सिखाई? शरद तुम्हें तो पता होगा कि सुभाष को वो कविता किसने सिखाई? मैंने सुभी से कई बार पूछा कि उसे ये कविता किसने सिखाई, पर वो मुझे कुछ बताता ही नहीं। मछले भैया, अनु मौसी का नाम बता देंगे क्या? सिखाई शरद? शरद अकेला नहीं है बाबा, इसमें और भी कोई है। बाबा को सच बता शरद। ये कविता क्या बहुत लोग मिलकर सिखा सकते हैं बड़ी दीदी? मैंने सिखाई है, शुभी ने तो बस सीखी है। वो खुद ही कह दे कि ये कविता पहली बार मेरे ही मुंह से सुनी थी ना। सुभी, सुभी तू ही बता, तू बता कि ये कविता तुझे किसने सिखाई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शरद, मुझे लगा कि तुम समझदार होगे। मुझसे गलती हो गई है बाबा, मैंने सुभाष को ये कविता सुनाई थी ये सही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि छोटे लाट की संवर्धन सभा में वो ये कविता बोल देगा। मैं इस घर का अपमान नहीं चाहता था। बस हो गया, तुमने तो कह दिया, लेकिन प्रेसर साहब को ये बात कौन समझाएगा? उधर मुकुंद और रिचर्डसन इस घर के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहे होंगे। स्वदेशी स्लोगन इस सामने, उस बच्चे से ही मैं उन्हें उचित सबक सिखाऊंगा। I want boss here. Do you understand, Richardson?
better understand. प्रोमिला, हेमा, अनु मासी को अंदर ले चलो। क्योंकि वो कविता तूने बस बोली है। और तुझसे भी बड़ा दोषी है वो जिसने तुझे वो सिखाई है। तूने बोला तो है शरद कि ये कविता तूने ही सुबी को सिखाई है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। माँ दूध पिलाकर सांप पाल रही है। बाबा बहुत चिंता में है, इस कविता के कारण सुबी को कोई दंड ना भुगतना पड़े। मुझे दंड देंगे साहब। सुबी बाबा को छोड़ो, सुबी बाबा को छोड़ो। कैसे हो सुभाष? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है ना? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। मामा भी बहुत डर गए हैं, मेरा कंधा भी दुख रहा है। मैं बोल रहा था छोड़ो मुझे, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मुकुंद, तुम उसे फोर्सिबली खींच कर यहां क्यों लाए हो? मैंने तुमसे कहा था कि I want सुभाष here. Did I ever ask you to bring him forcefully? कि उसको खींच कर यहां लाओ? Say sorry to him. Say sorry to him, मुकुंद. Sorry, सुभाष. सुभाष? एक और हिंदी कविता। आपको हिंदी कविताएं पसंद है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सुनाओ, मुझे दूसरा कोई कविता सुनाओ। वो शायद और कोई हिंदी कविता नहीं जानता होगा सर, उसके स्कूल में हिंदी जो नहीं सिखाते, है ना सुभाष? हाँ, स्कूल में हिंदी कविता नहीं सिखाते। तुम ये एक ही कविता जानते थे सुभाष मुझे सुनाने के लिए? धन धान्य पुष्प भरा हमारी ये वसुंधरा, इसी से है देश हमारा सब। मेरा गाना तुम्हें सुभाष। डियर राय, जानकी नाथ बोस, स्वदेशी कविता। घर पर स्वदेशियों का आना जाना, बाय द वे कल की कविता वो तुम्हें किसने सिखाया था सुभाष? वो तो तुमने मुझे नहीं बताया। सर एंड्रयू फ्रेजर ने मुझे उपहार दिया है, उन्हें बहुत अच्छी लगी मेरी कविता। आज भी मुझसे एक हिंदी गाना सुना उन्होंने। उन्होंने तुझे कोई सजा नहीं दी? नहीं तो, उन्होंने सॉरी बोलने के लिए मुझे बुलाया था। सॉरी कहा उन्होंने? सॉरी बाबा, वो क्या सच में इसी कारण से शुभी को उठाकर लाए थे? दूसरा कोई प्लान तो नहीं है? हम तो सोच रहे थे कि हमारे परिवार से वो बदला लेंगे। माँ कोई काम दे दीजिए मुझे, गरीब ब्राह्मण आदमी हूँ माँ जी, मैं भूखा मर जाऊंगा। ये लो, ये पकड़ो। मानोदा, जरा इसको थोड़ा चावल दे देना, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये लो। नहीं माँ, मैं भिक्षा नहीं ले पाऊंगा माँ जी। ये लो, ये भी लो। तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से, अब चले जाओ।
माँ जी कोई काम है तो दीजिए माँ जी, तुम्हारे बेटे को दिल से आशीर्वाद दूंगा माँ, उसकी सारी मुसीबत खत्म हो जाएंगी। माँ इसे काम पे रख लो मानोदा। महाजननी आप दया का सागर है माँ जी, आप दया का सागर है। छोटे बाबा आपके कारण ये गरीब ब्राह्मण भूखा रहने से बच गया। छोटे बाबा आपको मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े। ठीक है ठीक है, मानोदा इसे रसोई घर दिखा दो। चलो सुभी कमरे में चलो। मुझे सारी और इस घर का कोई भी सदस्य ये केक नहीं खाएगा। मन तो कर रहा है ये केक उठाकर फेंक दूं, पर ये खाने की चीजें इसलिए ऐसा कर नहीं सकती। मानोदा बाहर अगर कोई गरीब आदमी दिख जाए तो उसे दे देना। माँ ये तो फ्रेजर साहब ने मुझे प्यार से उपहार में दिया है। प्यार? कैसा प्यार? जो इंसान तुम्हें गुस्से में उठाकर ले गया वो अचानक तुम पर प्यार जता रहा है। इंसान का अपमान करके उसके बाद क्षमा मांगने का कोई मतलब नहीं है। बहू ये अन्याय है। उससे कविता दोबारा सुनी, ये हुआ क्या समझ में नहीं आया। वो गुणवत्ता की सराहना करते हैं, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। आप हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं इसलिए ये सब करके मना रहे हैं ना। मानोदा ये केक अंदर ले जाओ। ए, ए, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ है मानोदा? आखिर बात क्या है? आप देखिए ना, इससे कहा था कि यहां मत आया करो, फिर भी यहां ताका झाकी कर रहा है। काम पड़ा हुआ है, मैं अकेली जान क्या क्या तो करूं। मैं अभी आई। नया बावर्ची रसोई में न जाकर कमरे के बाहर बातें सुन। तो मछली है, एक विधवा औरत मछली लेकर इस वक्त कहां जा रही है? तबे भी जाएंगी। आइए। किस अपराध के लिए? उसने चोरी की है या डाका डाला है? उससे भी बड़ा अपराध किया है। आपके भाई स्वदेशी विचारधारा रखते हैं। खबर इन्हें मिली कहां से? हमारे पीछे जासूस लगाए हैं क्या? सर्वनाश, अनु मौसी को आज ये बताना ही होगा। नहीं 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 सुभी, तुम्हें कैसे पता होगा? हाँ पता है, अब मैं समझ गया कि वो बिल्ली दिन ब दिन मोटी कैसे हो रही है। आप चुप चुप कर उसे मछली खिलाते हो ना इसलिए। हाँ बिल्ली असल में वो बहुत प्यारी है। कुछ तो गड़बड़ है इस बगीचे के पीछे की तरफ।
थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी और फ्रेजर साहब को सारी खबर देनी होगी। वकालत। ओह, तो इतने दिनों से आप कटक में हैं ना? Why? छुट्टी पे आया हूँ। ओह, लॉन्ग वेकेशन। सुभाष को स्वदेशी कविता आपने सिखाई थी? सिखाई थी, हिंदी कविता। स्वदेशी कविता? कविता में तो देश के बारे में लिखा ही रहेगा। By the way, आपने इतनी अच्छी हिंदी कहां से सीखी सर? Thanks for your compliment, Mr. Bose. मैं छोटा लाट बनकर आया हूं। भारत जब आया हूं और हिंदी नहीं सीखी तो कैसे पता लगाऊंगा कि सबके मन में क्या चल रहा है? हाँ? आज ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा, एक स्ट्रॉन्ग जवाब, रिप्लाई। मेरा इंट्यूशन बोल रहा है उस जानकी बोस के वहां स्वदेशी छिप कर बैठे हैं। मैं घर के अंदर सर्च करने के ऑर्डर्स देता हूं, आज रात में ही करो, चाहे कुछ भी हो, वो स्वदेशी मुझे यहां चाहिए। गो एंड कैच देम। यस सर। क्या हुआ अनंत दादा, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? सुभाष को पकड़ कर ले गए, फ्रेजर ने उससे माफी भी मांगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन कह रहा है कि वो कोई बड़ी चाल चलने वाला है, उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहां हूं। अनंतदा, शरीर से प्राण भी चला जाए पर मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, या तो मारूंगा या मरूंगा। बीरू तुम अभी निकल जाओ, घाट पे जाकर नाव की व्यवस्था करो, हमें आज रात को ही निकलना होगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अनंत दादा को अभी निकालना होगा। बंद करने की कोशिश नहीं करेगा और कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। घर की तलाशी का वारंट है मेरे पास, जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा उसे बांध के थाने ले जाऊंगा मैं। शुभी तू जल्दी जा, अनंत दादा को निकाल दे, कर पाएगा ना? इसकी जरूरत नहीं है सुभाष। जरूरत है आनंद दादा, आपके पास तो खाना भी नहीं है, क्या खाओगे? इससे रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेना, इसे रखो अपने पास।
कौन है? दिखाओ, इधर दिखाओ। शुभी रुक, शुभी, शुभी रुको, शुभी कहाँ जा रहा है? शुभी ए, इसको लेके जाओ। बीरू दादा,